हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और गिज्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस और गिव अवेज की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्वागत है आपका गिज्मो इंडिया में और आप देख रहे हैं टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन इंडिया इन मार्च। मार्च का महीना इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि मार्च के महीने में हमें बहुत सारे स्मार्टफोन्स इंडिया में देखने मिलने वाले हैं जिनमें शामिल होंगे मिड रेंज से लेकर फ्लैगशिप तक सारे स्मार्टफोन्स। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो स्मार्टफोन्स। मार्च के महीने में हमें दो गेमिंग स्मार्टफोन्स देखने मिलने वाले हैं इंडियन मार्केट में और उन दोनों स्मार्टफोन्स में जो पहला स्मार्टफोन है वो है Asus ROG Phone 5। Asus ROG Phone 5 इंडिया में लॉन्च होने वाला है 10th मार्च को और ये स्मार्टफोन एक गेमिंग स्मार्टफोन है तो जाहिर सी बात है इसमें हमें सारे फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशंस ही देखने मिलेंगे। Asus ROG Phone 5 में हमें देखने मिलेगा 6.78 इंच फुल HD प्लस हाईएस्ट फ्रेम रेट एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 6000 mAh की बैटरी जो 65 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगा और ये स्मार्टफोन चलेगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पर। Asus ROG Phone 5 की प्राइस इंडिया में क्या होगी ये तो अब तक कंफर्म नहीं है लेकिन इसकी हिस्ट्री को देखते हुए लगता है ये 50,000 से तो कम होने वाली नहीं है। और जो दूसरा गेमिंग स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है वो है iQOO 7। iQOO 7 भी एक गेमिंग स्मार्टफोन है तो जाहिर सी बात है इसमें भी हमें फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशंस ही देखने मिलेगा जिसमें शामिल होगा 6.62 इंच फुल HD प्लस 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4000 mAh की बैटरी जो 120 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगा और यह स्मार्टफोन भी चलेगा स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पर। iQOO 7 भी एक गेमिंग स्मार्टफोन है लेकिन इसकी प्राइस Asus ROG Phone 5 जैसी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, थोड़ी लिमिट में होगी, हो सकता है ये 35,000 से 40,000 के आसपास अवेलेबल हो जाए इंडिया में। मार्च के महीने में हमें OnePlus की तरफ से भी तीन स्मार्टफोन्स देखने मिल सकते हैं OnePlus 9 सीरीज में जिसमें शामिल होंगे OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और एक लाइट वर्जन जो OnePlus 9 का लाइट वर्जन होगा जिसका नाम हो सकता है OnePlus 9R। इन तीनों स्मार्टफोन्स में जो OnePlus 9 और 9 Pro होगा उसमें हमें देखने मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले वो भी हाई रिफ्रेश रेट वाला और साथ ही हमें देखने मिलेगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, लेकिन जो लाइट वर्जन होगा हो सकता है उसमें हमें देखने मिले स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर और हो सकता है उसमें हमें देखने मिले हाई रिफ्रेश रेट वाला LCD डिस्प्ले। OnePlus 9 में हमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल सकता है और साथ में हमें देखने मिल सकता है 4500 mAh की बैटरी जो 65 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगा। OnePlus 9 सीरीज के प्राइस के बारे में अब तक कोई लीक निकल के नहीं आई है तो इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि इसकी प्राइस कितनी हो सकती है। मार्च के महीने में Xiaomi अपने दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है Mi 11 सीरीज में जिसमें शामिल होंगे Mi 11 और Mi 11 Lite। Mi 11 में हमें देखने मिलेगा 6.81 इंच क्वाड HD प्लस 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4600 mAh की बैटरी जो 55 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगा और यह स्मार्टफोन चलेगा स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पर। और जो Mi 11 Lite होगा उसमें हमें थोड़े चेंजेस देखने मिलेंगे एज कम्पेयर टू Mi 11 जिसमें हमें हो सकता है देखने मिले स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और बाकी हो सकता है सिमिलर होगा स्पेसिफिकेशन Xiaomi Mi 11 की तरह। Xiaomi Mi 11 की इंडिया में प्राइस हो सकती है 55,000 के आसपास और Mi 11 Lite की इंडिया में प्राइस हो सकती है 30,000 के आसपास। अगर Xiaomi इंडिया में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है तो Realme पीछे कैसे रह सकता है। Realme भी अपना एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है Realme GT। Realme GT 4 तारीख को चाइना में लॉन्च होने वाला है और हो सकता है कि मार्च एंडिंग तक ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। Realme GT में हमें देखने मिलेगा 6.8 इंच क्वाड HD प्लस 160Hz एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बैटरी जो 120 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट कर सकता है और यह स्मार्टफोन चलेगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पर। और जहां तक Realme GT की प्राइस की बात है ऐसा सुनने में आ रहा है कि Realme GT की प्राइस इंडिया में हो सकती है 35,000 के आसपास। Redmi अपने सबसे फेमस सीरीज के अंदर तीन नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है जिनके नाम है Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max। इन तीनों स्मार्टफोन्स में जो Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max होगा वो दोनों ही स्मार्टफोन्स 5G स्मार्टफोन होंगे और जो सिर्फ Redmi Note 10 होगा वो 4G स्मार्टफोन होगा। जो Redmi Note 10 Pro Max होगा उसमें हमें देखने मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5500 mAh की बैटरी जो फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा और यह स्मार्टफोन हो सकता है कि चले स्नैपड्रैगन 750 प्रोसेसर पर। Redmi Note 10 सीरीज को टक्कर देने के लिए अगर कोई स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल होगा तो वो होगा Realme 8 सीरीज। Realme 8 सीरीज में इस बार हमें देखने मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और ये स्मार्टफोन 5G रेडी स्मार्टफोन होगा। हो सकता है इसमें हमें स्नैपड्रैगन 750G देखने मिले या फिर स्नैपड्रैगन 765G और हो सकता है इसमें हमें Dimensity का कोई प्रोसेसर देखने मिले। इसके बारे में अब तक कोई भी लीक नहीं निकल के आई है तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते लेकिन इतना कंफर्म है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है मार्च में।
वीवो अपना कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन सीरीज यानी वीवो X60 सीरीज इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिनमें शामिल होंगे वीवो X60, वीवो X60 Pro और वीवो X60 Pro Plus। ये तीनों ही स्मार्टफोन्स बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स है और तीनों ही कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, लेकिन जो वीवो V60 और वीवो V60 Pro होगा, ये दोनों ही स्मार्टफोन्स चलेंगे सैमसंग के Exynos 980 प्रोसेसर पर, और जो वीवो X60 Pro Plus होगा वो चलेगा स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 पर। और ये तीनों ही स्मार्टफोन्स में हमें लगभग 4300 mAh की बैटरी देखने मिलने वाली है और वो भी 33W फास्ट चार्ज के साथ, लेकिन जो प्रो प्लस होगा उसमें हमें देखने मिलेगा 55W का फास्ट चार्जर। ये तीनों ही कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है तो इसमें हमें कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देखने मिलेगी और ये तीनों ही स्मार्टफोन्स में हमें देखने मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले। वीवो X60 सीरीज का जो सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होगा वीवो X60 Pro Plus, उसकी इंडिया में प्राइस हो सकती है 50,000 से ज्यादा। पोको की तरफ से हमें एक नया स्मार्टफोन इंडिया में देखने मिल सकता है जिसका नाम होगा पोको X3 Pro। पोको X3 Pro के बारे में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस तो अभी अवेलेबल नहीं है और इसकी ज्यादा लीक्स भी आई नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि यह स्मार्टफोन इंडिया में मार्च के एंड तक लॉन्च हो सकता है। पोको X3 के कंपैरिजन में पोको X3 Pro में हमें ज्यादा कुछ चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे, हो सकता है इसमें प्रोसेसर में या फिर कैमरा में कुछ चेंजेस देखने मिल जाए। मार्च के महीने में वीवो अपना वीवो V21 सीरीज भी लॉन्च कर सकता है, जिसमें हमें देखने मिलेगा वीवो V21 Pro। वीवो V21 Pro बेसिकली रीब्रांडेड वर्जन होगा वीवो S9 का, जो चाइना में 3 मार्च को लॉन्च होने वाला है। जैसे पिछले साल वीवो S7 जो था चाइना में, वो इंडिया में लॉन्च हुआ था वीवो V20 Pro के नाम से, उसी तरीके से जो वीवो S9 होगा चाइना में, वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है वीवो V21 Pro के नाम से। वीवो V21 Pro के बारे में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस तो अवेलेबल नहीं हुई है, लेकिन जितनी स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हुई है उसके हिसाब से इसमें हमें देखने मिलेगा 44 MP का सेल्फी कैमरा और इसमें हमें देखने मिलेगा डायमेंसिटी 1100 प्रोसेसर जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। वीवो के वी सीरीज की तरह ओप्पो का भी एफ सीरीज है जो लॉन्च होने वाला है मार्च में, जिसमें हमें देखने मिलेगा ओप्पो F19 और ओप्पो F19 Pro। रूमर्स के अकॉर्डिंग इसमें हमें देखने मिलेगा 10x जूम कैपेबिलिटी वाला कैमरा और बाकी ज्यादा जानकारी इसके बारे में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही अवेलेबल होगी हम आपको भी अपडेट कर देंगे। तो यही थे वो स्मार्टफोन्स जो मार्च के महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। आप किस फोन के लिए एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग बी डिफरेंट।